हमारा देश धर्म और आस्था का देश है। धर्म और आस्था के देश में कई तरह के चमत्कार भी हुए हैं और धर्म के प्रति लोगों की जागृति पैदा करने के लिए कई संत और महात्मा भी हुए हैं। ऐसे संत महात्मा जो धर्म की जागृति के लिए लोगों में चेतना लाते हैं और उनको धर्म के प्रति रुझान पैदा करने के लिए हम अपनी धर्म संस्कृति और अपने जो संस्कार हैं उनको कैसे बनाए रखें, इन सब बातों को लेकर के आज हम उपस्थित हैं। शरण दयालु जी महाराज जो कि ग्राम पिंगला के हनुमान जी मंदिर बालाजी धाम में हम आज उपस्थित हैं, उनसे कुछ बातें करेंगे, कुछ जानेंगे धर्म और संस्कृति के बारे में और इस स्थान के महत्व के बारे में। शरण दयालु जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं जानना चाहूँगा कि आपका इस ओर रुझान कैसे और कब हुआ? जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की। देखिए, श्री बालाजी महाराज सरकार ऐसी सरकार है जो सरकारों में सरकार है। श्री बालाजी की भक्ति जगने का एक ही विचार है हमारा। कई दिनों से नींद जाती थी और बालाजी महाराज स्वप्न देते थे, कई दिन नींद नहीं आई। लेकिन नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि ये जो स्थान है यहाँ पर आप आए हुए हैं, ये बहुत ही प्राचीन स्थान है श्री बालाजी महाराज का, और यही बार बार स्वप्न देते थे कि हमारी सेवा करो, सेवा करो। तो आपका कब से ये रुझान पैदा हुआ, कितने साल के थे आप? जे 12 साल के थे और 12 साल से बालाजी महाराज के चरणों में भाव था, सेवा करने का भाव था। अनेक जगह गए और जहाँ बालाजी का नाम लिया और बालाजी ने उनके काम पूरी की तो हमारा भाव वहीं बढ़ता गया उनके प्रति। कहाँ कहाँ गए अभी आप 12 साल की उम्र में जब आप यहाँ से गए तो कहाँ कहाँ का आपका प्रस्थान हुआ, कहाँ किस स्थान में पहुँचा है? देखिए, सब प्रथम संस्कृत का जो अध्ययन किया गया है सीधा वृंदावन, तो वहाँ के बाद काशी बनारस में दो तीन साल लगने का मौका मिला। इसके बाद आपकी यूपी में बिहार में कई जिलों में जहाँ श्री बालाजी महाराज का नाम उजागर हुआ है, कई भक्तों की मनोकामना है श्री बालाजी महाराज के नाम में भी की। आपका जो भागवत कथा पढ़ने का अंदाज है बड़ा अच्छा लगा हमें, देखा हमने हमारे आस पास के गाँव में आपकी भागवत कथा भी है, तो ये जो भागवत कथा कहने का जो आपका तरीका है वो कैसे सीखा आपने? क्या आपको किसी संत महात्मा के सामर्थ्य में रह के सीखा या आपके स्वभाव के अंदर ही भाव था? देखिए, जो भागवत कथा का हमारा लगाव है ये हमारे पूर्वजों से आया है। हमारे पूर्वजों में कई पीढ़ियों से कोई सरकारी जॉब नहीं होती हमारे परिवार में, केवल राम भक्ति ही हमारे एक साधन है। हमारे जो बाबा थे वह भी भागवत कथा के वाचक थे, हमारे पिताजी हैं वो भी श्री राम कथा के वाचक हैं, और उन्हीं की आशीर्वाद के पास से भागवत अध्ययन किया है। लेकिन अध्ययन से ज़्यादा संत की सेवा का फल है। कि लगभग कितने सालों से चल रहा है आपका ये भागवत कथा का कार्यक्रम और कहाँ कहाँ भी गए? जी, देखिए अभी तो लगातार कम से कम अब 4-5 साल मानिए कि 2 दिन का रिपेयर है इसमें नहीं मिलता। अभी बिहार से कथा से आए थे बात के मुझे खरीदने बहाने खाते हैं, अब फिर से 23 तारीख से आपका बिहार अपना जो राजधानी है वहाँ पर कंकड़ बांधने की 23 तारीख से भागवत होने वाली है। लेकिन जो आपके बुंदेलखंड में अपने भाव देखने को मिला है बहुत अच्छा है। ये जो स्थान है बालाजी महाराज का, ये किसके द्वारा विकसित किया गया, कब से अंतर लिया? जी, जो बालाजी सरकार का स्थान है ये स्थान बहुत प्राचीन स्थान रहा, महादेव का भी स्थान था तो आज ही बड़ा ईमान। लेकिन जो हमारे दादाजी थे वह श्री बालाजी महाराज के द्वारा प्रेरणा मिली और मैं उनकी स्थापना की श्री बालाजी महाराज जब मैं बालक था। लेकिन उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हें कई प्रकार का स्वप्न दिखाया कि हम यहाँ रहे नहीं और बाबा जी ने बोला संसार नहीं है अपने धाम को सुधार रहे हैं, लेकिन उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हें हम बार बार उत्साह वर्धन किया कि वहाँ सेवा करो, सेवा करो, और इसी प्रकार में सेवा में लग गए भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते श्री बालाजी महाराज। कुछ विशेषताएं इस स्थल के बारे में बता रहे हैं? जी, स्थान की विशेषता नहीं, यहाँ पर जो करते हैं श्री बालाजी महाराज करते हैं,
जो करते हैं उसके बारे में बात करते हैं और ये क्या हुआ है जो आप देखते हैं ग्रामीण यूथ में यहाँ की जल की महत्ता है बहुत अच्छा जल है यहाँ और इस जल के स्नान करने से कई प्रकार के रोग दूर होते हैं ऐसी विशेषताएँ हैं तो क्या आप देखेंगे आम काले वृक्ष लगाए ये भी आजकल एक प्राचीन वृक्ष है हम तो नहीं देखे उनकी पढ़ाई देखी जब से देखे हैं इतना ही देख रहे हैं लेकिन अगर कोई प्रेत आत्मा या कोई वैसी बड़ी बीमारी होती है जो समझ में नहीं आती लेकिन अगर उसे स्पर्श होता है तो वह अपने आप या तो बोलने लगता है या तो बीमारी वहाँ से भाग जाती है ये वहाँ विशेषता है और जो हनुमान जी महाराज रहते हैं एक दक्षिण की है बड़ी प्राचीन मूर्ति है ये हम बहुत अपने बोले निश्चित रूप से हमारे जो इष्ट हैं वहाँ पहुँचने से ना सिर्फ मन को शांति मिलती है बल्कि जैसा कि आपने बताया सत्संग के बारे में कि यहाँ कई तरह की समस्याओं का भी समाधान होता है इस तरह से अगर आप कहें तो ये धर्म और आस्था का केंद्र तो है ही आपकी समस्याओं के समाधान का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है जो ग्रामपीरा में बालाजी महाराज का ये स्थान ग्रामपीरा मुख्य सड़क से लगभग 1 किलोमीटर अंदर है जो वास्तव में आज अपनी एक धर्म की अलग जगा रहा है निश्चित रूप से जो ये खबर देख रहे हो उन सबको इस स्थल तक तो अवश्य आना ही चाहिए बल्कि अन्य जो उनके परिचित के लोग हों उन्हें भी इस स्थल में पहुंचाएं जिससे कि ना सिर्फ उन्हें धर्म लाभ प्राप्त हो बल्कि आत्मशांति भी मिलेगी मन को शांति भी मिलेगी और जो उनकी समस्या है उनकी समस्या का समाधान भी होगा। मैं खजुराहो से राजीव शुक्ला बुंदेली ट्रिपर्स के लिए।